अच्छा, कल अगस्तवाणी चल रही थी, तेरे रूबान गई थी। महारथी दादी और तथा मुख्य भाइयों से बातचीत हुई। आज पार्टी से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है, बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन गति में अंतर। कोई तीव्र गति से चल रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। ये परिवर्तन भी होता है, प्रगति भी होती है, लेकिन नंबरवार होती है। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का सहज साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव। बाप के साथ का सदा और सहज अनुभव किनको होगा है? प्रैक्टिकल वालों को या इम्प्रैक्टिकल वालों को? प्रैक्टिकल में बाप के साथ रहे पड़े होंगे। अगर सच्चे दिल के पुरुषार्थी हैं तो जरूर उनको सहज याद और निरंतर याद का अनुभव होगा। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है, और प्रैक्टिकल में साथ होगा ही नहीं और दिल की प्रीति होगी ही नहीं। चलो प्रैक्टिकल में साथ हो लेकिन दिल की प्रीति न हो तो भी सहज याद और निरंतर याद नहीं आ सकती। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना, फिर भी कितनी भी दिल की प्रीति न हो लेकिन अगर साथ है तो याद तो कुछ न कुछ जरूर रहेगी। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। बल बैठा न हो साथ में लेकिन मददगार तो हो, विरोधी रूप में तो न हो। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ सारथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है, साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है।
था, सन्यासी लोग कौन सी बात कठिन समझते हैं? घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने को बहुत कठिन समझते हैं, और जो दुनिया और सन्यासी कठिन समझते हैं उस कठिन बात को भी परमात्मा का साथ सहज और निरंतर बनाए देता है। तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है, और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। साधारण रीति नहीं, असाधारण बात को भी असाधारण रीति से मुश्किल को सहज करने वाला है। तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? अच्छा, दो बानवे का प्रातः क्लास गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। शिव की जयंती कब होती है? वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं? ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थम का जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं? भारतवासी नहीं जानते तो कि तुम बच्चे क्या भारतवासी नहीं हो क्या? है तुम बच्चे जानते तो हो लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कामन रात दिन होते हैं वो रात्रि? वह और कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। कामन रात्रि तो होती रहती है, रोज होती है, और हर युग में होती ही आई है। के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे रख दिया है। शिव के बदले कृष्ण का रात्रि के 12 बजे जन्म क्यों रख दिया? कृष्ण को भगवान समझ लिया, समझते हैं कृष्ण भगवान रात को दिन बनाने आते होंगे। शिव को मानते हैं परंतु वह कब जन्म लेते हैं ये नहीं जानते। शिवरात्रि सबसे बड़ा दिन सबके लिए है, ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासियों के लिए है, क्योंकि यह पर्व का सदगति दाता है। वह है ही सर्व का सदगति दाता है। जब सब के ऊपर भीड़ पड़ती है, भीड़ मानो आपदा, तब चिल्लाते हैं ओ पतित पावन आओ,
गॉड फादर रहम करो। कब की बात है, संगम युग में तो सब कहां चिल्लाते हैं, कहते वो तो काम करके चला गया, तो नई दुनिया हमें स्थापन करनी है, तो बुलाने की दरकार कहां रह गई है। तो संगम की कहां बात है, द्वापर युग की बात है, कि संगम युग में जब कलयुग की शूटिंग होती है और कलयुग की शूटिंग की भी जब चौथी अवस्था होती है तब बहुत जोर से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय होता है वीर का समय, वीर पड़ती है, बहुत आपदाएं आती हैं, क्योंकि राजधानी उस समय स्थापन होती है। एक तरफ राजधानी की स्थापना और दूसरी तरफ विनाश के नजारे। तो जब सबके ऊपर बहुत भीड़ पड़ती है तब चिल्लाते हैं पतित पावन आओ, हे गॉड फादर रहम करो। कौन कहते हैं गॉड फादर है? विदेशी लोग पोप भी कहते हैं हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो, ये एक दो के मारने के लिए तैयार हो गए हैं, एटम बम छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, कोई की सुनते भी नहीं है। उन्हों को ईश्वर मत दे, कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। तो भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, कह देते हैं भगवान निराकार है। मत देने वाला भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरती। जब निराकार है का नाम रूप देश काल आकार है नहीं, तो फिर सर्वव्यापी भी है, ऐसे समझ लेते। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं, क्या कहा साधारण ब्रह्मा के तन में, साधारण ब्रह्मा का तन, और ब्रह्मा का असाधारण तन भी होता है, है? ब्रह्मा कहां पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो चित्र कैसे बना दिया है, चित्र नहीं बनाया, चित्र तो बनाया है, क्या चित्र बनाया है, है? विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो कमल का मतलब है कमल फूल समान जैसी जीवन, और उसकी पैदाइश हुई ब्रह्मा। तो भारतवासी स्थूल चित्र तो बनाते हैं लेकिन उसके रहस्य को नहीं जानते। दादा का चित्र देख करके मुझसे
समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है, नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता क्या? तो नाभि से तो नहीं होता, नाभि में क्या होता है? नाभि में सारे शरीर की नस नाड़ियां 16,000 नस नाड़ियों का केंद्र होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि काट दी जाती है, नाभि से उसका कनेक्शन कट हो जाता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ, से किसी का जन्म नहीं होता। अब विष्णु कहां का रहने वाला है? किसकी बायोग्राफी को तो जानते नहीं है। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने संदेशों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहां बैठना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा से इन कान द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबके सदगति दाता ज्ञान का सागर है, जो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे क्या भूल जाते हैं घड़ी घड़ी? यही खास बात भूल जाते हैं कि परमात्मा बाप हमको बैठ कर पढ़ाते हैं, वार्तालाप करते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसकी और बुद्धि में बैठ नहीं सकता, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। रिगार्ड न रखने का कारण क्या? यही बात बुद्धि से खिसक जाती, साधारण मनुष्य तन को देखते हैं, परमात्मा को नहीं देखते, नहीं देख पाते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते, लगातार बुद्धि इसी तरफ लगी रहे। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है, जानते हो जन्म जन्मांतर महापुरुष संप्रदाय से फालतू बातें सुनते आए। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो ये भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। क्यों पार्थिव
आधा समय ज्ञान, कितना समय ज्ञान, और आधा समय भक्ति, कितना समय भक्ति, 2,500 वर्ष भक्ति, 2,500 वर्ष ज्ञान। देवताओं में ज्ञान होता है, देवताओं में ज्ञान होता है ना, फिर कैसे है? सृष्टि चक्र का चित्र नहीं सुना क्या? क्या किया अजय भाई है? क्यों अरुण भाई सृष्टि चक्र का चित्र नहीं सुना? सुना तो बताओ कि आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, आधा समय ज्ञान अर्थात तो ब्रह्मा का दिन, हाँ ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सत्य उत्रेता द्वापर कलयुग में तो ब्रह्मा होता ही नहीं। तो सत्य उत्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात, वहां 2,500 वर्ष की तो बात है ही नहीं, ये तो शूटिंग पीरियड की बात है। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा साकार में प्रत्यक्ष होता है, जब बैठ करके समझते हैं कि परमपिता परमात्मा हमको प्रैक्टिकल में पढ़ाए रहे, तो सहज याद और निरंतर याद लग जाती है, क्योंकि सन्मुख है। तो समय होता है ब्रह्मा का दिन, और जब वो साकार स्वरूप में परमात्मा गुप्त हो जाता है, वानप्रस्थ हो जाता है या गुप्त हो जाता है, पूरी छुपेगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा भी अंधेरे में तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाते। तो यहाँ शूटिंग पीरियड की बात है, 5-4 वर्ष का ड्रामा, ये 50-60 वर्षों में 70 वर्षों में शूट होता है, इसकी शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो उस समय की बात है, तो ये एक बात कभी भूलो नहीं। क्या बात नहीं भूलो? कि हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ा। अगर ये एक बात भूल गए तो समझ लो ज्ञान सूर्य के प्रकाश से कहां पहुंच गए? अज्ञान अंधकार में पहुंच गए। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये कामन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। क्या था? तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, पढ़ना भी जरूरी है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं, फलाने फलाने गफलत करते हैं क्या? और बातों में ध्यान जाएगा, बुद्धि जाएगी, आंखें जाएंगी, कहलेंगे घूमे फिरेंगे, लेकिन जो असली बात है उसमें बुद्धि टिकेगी नहीं। गफलत करते बाबा जानते हैं, फलाने फलाने गफलत करते हैं। नाम भी आगे चल कर बताते जाएंगे। रेगुलर पढ़ते नहीं है तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। नापास क्यों हो जाएंगे? क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। बंदर की तो बात का लोभ ही होता है,
भूंगरे डाल दो और लाखों रुपए के रतन डाल दो, चमकीले चमकीले हीरे पन्ने जवाहरात मूंगा मोती पन्ना माणिक, वो क्या पकड़ेगा? घूंगरा मुट्ठी से नहीं जोड़ेगा। उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्होंने पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है, उनको अविनाशी ज्ञान रत्नों का तो कदर ही नहीं है। क्या कहा, गवर्नमेंट किसकी पिछाड़ी पड़ी हुई है, हैं? हाँ, ये तो हद की बात हो गई और हद के धन की बात हो गई, फिर बेहद की बात उठा, हैं? गवर्नमेंट की नाम की पिछाड़ी पड़ी हुई है, हैं? ये कुछ बुलाते हैं। अच्छा, उनके पास बेहद का धन है, हाँ, जिनके पास ज्यादा ज्ञान धन है, देखते हैं कि ये बहुत कमाई कर रहे हैं, इनकी बुद्धि ज्ञान की कमाई बहुत ज्यादा लग पड़ी है, तो फिर उनके पीछे वो गवर्नमेंट लग जाती है। क्यों पापी राम, तुम्हारे पीछे बेहद की गवर्नमेंट लगी हुई है कि नहीं? लगी हुई है, सीआईडी से बचे रहे ना। ऐसा ना वो पकड़ ले, तुम्हें निकाल ली कुल दे। बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्हों की पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर जब लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की क्या हालत है, हैं? बाप समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इसे मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी है हम पतित हैं, फिर ये अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, कितनी कॉन्फ्रेंस हो चुकी होंगी, मेले सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कितनी हो गई होंगी, हैं? बहुत हो गई, कुछ घर पे निकला, हैं? कौन करते हैं, सन्यासी करते हैं, सारे सन्यासी पीले कपड़े वाले, इस कपड़े वाले, हैं? इस कपड़े वाले क्या मतलब, क्यों पाती राम, ये मेले सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आदि कौन करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमार, अरे अरे नहीं, झूठे ब्रह्मा कुमार कुमारी कही होती तो बात भी ठीक है, हाँ, झूठे ब्राह्मण करते होंगे इनका धंधा, हाँ, सच्चे ब्राह्मण तो जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस से कुछ खर्चे निकलने वाला है नहीं, सिवाय एक परम पिता परमात्मा बाप के आए सुख शांति दुनिया स्थापन हो न सके। धर्म वाले आपस में न लड़े, ऐसा हो कैसे सकता कॉन्फ्रेंस से? एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, अब उनको मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निर्धन के ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो निर्धन के हुए या धनी के हुए? निर्धन के हुए,
मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। मालिक मान है, मालिक मना काहे का मालिक है। हाँ, विश्व का मालिक सारी दुनिया का रचयिता, रचयिता ही मालिक होगा। तो अगर उसको मानते हो तो उसे जानना भी चाहिए। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब नाम भिन्न भिन्न रखते हैं। वास्तव में है तो फादर ना, हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे, इसी को रचा जाता है, है? जो चीज अनादि होती है उसको रचा जाता है, ये जो चीज अनादि नहीं होती है उसको रचा जाता है। अनादि आत्मा है उसको रचा जाएगा नहीं। हाँ, मनुष्यों की रचना होती, मनुष्य सृष्टि की रचना होती है। कौन रचते हैं? हम परमपिता परमात्मा की फैमिली है। फैमिली हम किसकी है? परमपिता परमात्मा की फैमिली तो बहुत ऊंची होगी। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली तो हो नहीं सकती। जब सबके अंदर व्यापी है और एक व्यापी है नहीं, क्या सबके अंदर व्यापी, सबको प्रेरणा अंदर अंदर मिल रही है। बाबा ने हमको ये डायरेक्शन दिया तो फिर सर्वव्यापी हुआ, एक व्यापी हुआ, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। बाबा मुरली में कहते हैं मैं किसी को प्रेरणा देता ही नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल में आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ, प्रेरणा देने की क्या बात, प्रेरणा से कोई पढ़ाई होती नहीं। तो हम परमपिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली नहीं हो सकती। मालिक रचयिता की हम फैमिली है। आज से 5-4 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर बरसा दिया न सिर्फ हमको परंतु सबको देते, ऐसे नहीं सर्वव्यापी होकर के देते। क्या सर्वव्यापी नहीं होकर देते हैं, लेकिन एक है, एक व्यापी होकर देते हैं, एक मुकर्रर अर्थ में प्रवेश करके वर्षा देते हैं। उन्होंने तो सर्वव्यापी समझ लिया, हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। क्या हमको जीवन मुक्ति का क्यों देते हैं? बाकी ने क्या गड़बड़ किया जो उनको सिर्फ मुक्ति का वर्षा देते हैं? हाँ, उन्होंने यही गलती कर दी कि परमात्मा जब प्रैक्टिकल में आता है तो भी उसे सर्वव्यापी समझ ली, एक व्यापी नहीं पहचान पाया, ये नहीं पहचान पाया कि परमात्मा किसी जीवन में है। परमात्मा भी शरीर से जीवित होकर के कार्य कर रहा है। आत्मा अगर शरीर में न हो तो जड़वत हो गई ना, चैतन्य तो नहीं हुई, क्योंकि बिना शरीर के तो आत्मा कुछ काम कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने परमात्मा को जीवन से जुदा कर दिया, तो परमात्मा ने उनको जीवन मुक्ति से जुदा कर दिया। तो हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा। तो कितना सहज है, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्या कहा? इस बात का
कि हमको जीवन मुक्ति मिलती है क्योंकि हमने जीवन में आए परमात्मा को पहचान लिया और उन्होंने जीवित परमात्मा को नहीं पहचान पाया। बस किसको याद करते हैं? बिंदु। अब बिंदु बिंदु तो 500-600 करोड़ आत्मा ही नहीं, दुनिया के कीट पशु पक्षी पतंगे सब बिंदु है क्या? अरबों खरबों, अब उनमें कौन सी बिंदी परमात्मा है, कौन सी बिंदी की याद करते, कैसे पता पड़े? तो बुद्धि भटक जाएगी या एक ठिकाने रहेगी? तो यहाँ तो कितना सहज है, जब सहज है तो निरंतर भी याद हो सकती है, तो ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु अहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया बुलाएगी। कहते हैं अहो मम माया, किसकी माया है? मम माया किसने कहा? बाबा ने कहा मेरी माया बेटी। बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो तो तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। क्या कहा? बाबा को मने काय नहीं करते आए, जब तुम्हें ना मने कर सके तुम्हें ही ना मानते तो माया को क्यों मने कर दे? तुम मान जाओ तो माया को भी मनवाए दे, तुम कहा मान जाओ? हिंदू बोलते अब राम कुमारी भी बोल रहे तब मालूम पड़े। बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो तो तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। किसके द्वारा एडॉप्ट किया है? हैं? तुम जानते हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है क्या? कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा एडॉप्ट किया है? क्यों पाती राम, तुम्हें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है? हैं? द्वारा कौन है? मीडिया कौन है? हैं? अब तो मीडिया अब तो भैया अब तो बेटी बाप है की है, हैं? कहा कही नाक पकड़ के। अभी तुम बाप के बने हो तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है, तुम जानते हो, वो नहीं जानते। क्या कहा? तुम जानते हो कि बाप ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, एडॉप्ट करना मन, हाँ स्वीकार किया है, अपना बनाया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, क्या विष्णु की नाभि इतनी लंबी 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 और फिर उसमें ऊपर जाकर के ब्रह्मा निकला, नहीं। और उस ब्रह्मा से कोई हम पैदा हुए और वंशावली चली आई, ये भी चित्र रखना चाहिए क्या कि लंबी लंबी कोई वंशावली नहीं चलती है यहाँ संगम युग में। संगम युग में तो बाप प्रैक्टिकल ब्रह्मातन द्वारा बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने ब्रह्मा कुमारों को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा कुमारों ने दूसरों को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया तो सब ब्रह्मा मुखवंशावली हो गए। फिर क्या हुए? तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही मुखवंशावली हुए, ब्रह्मा मुखवंशावली कहाँ हुए? क्यों पाती राम, तुम किसके मुखवंशावली? कहाँ है ब्रह्मा?
जाओ अरे आप तो कहते अबर करना है घड़ी घड़ी गिरगिट कितने रंग बगत है क्या सही जब सीधा को महल हुआ है जहाँ कोई छिप नहीं सकता फिर हाँ जब यार देखियो हाँ बाप है सबसे बड़ा दर्पण और तो छोटे छोटे दर्पण है उनमें तो चेहरा दिखाई पड़े न पड़े लेकिन हाँ अभी तुम बाप के बने हो तुम ही जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडाप्ट किया है किसके द्वारा एडाप्ट किया है ब्रह्मा द्वारा ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला नाभि तो कितनी लंबी दिखाई बहुत लंबी दिखाई तो वो तो वंशावली हो गई लंबी क्या लंबी लंबी क्या हो गई वंशावली तो वंशावली की बात नहीं है दिखाते हैं गांधी की नाभि से नेहरू निकला अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलेगा तो कोई साइंस दान भी नहीं मानते भला आजकल इंजेक्शन आदि से बच्चा पैदा करते हैं परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा फिर विष्णु कैसे नाली से सुनाते हैं वेदों की सो भी कहां क्या सूक्ष्म बतन में है सूक्ष्म बतन में नाली से सुनाने की क्या दरकार सूक्ष्म बतन में पवित्र होते हैं पवित्र होते हैं तो जहां पवित्र होते हैं पवित्रों को कोई ज्ञान सुनाने की दरकार गंदे कपड़े को ज्ञान जल की जरूरत है या जो शुद्ध कपड़ा है उसको जल की जरूरत ज्यादा है क्या सूक्ष्म बतन में ज्ञान सुनाया कुछ भी बुद्धि में बैठता नहीं है जिनको बाप से वर्षा लेना है वो तो ये सब बातें समझते हैं क्या सूक्ष्म बतन वासी में कोई शिव बाबा नहीं आते और न कोई सूक्ष्म बतन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं सब बातें बच्चे समझते हैं बाकी सब कह देते हैं ये तो कल्पना अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सच्ची सुनाते हैं और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है झूठी गीता कौन सी होती है और सच्ची गीता कौन सी होती है हैं हाँ भक्ति होती है बाद में पहले होता है ज्ञान ज्ञान आता है परमात्मा से एक परमात्मा से आता है ज्ञान और बाकी सबसे आती है भक्ति तो जब प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप बैठ किसी मुकर्रर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो होती है सच्ची गीता फिर उसके बाद में होती है झूठी गीता तो ये नंबर बार राजधानी बन गई है सब एक जैसा पढ़ न सके धारणा करके फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है सुना नोट किया फिर बैठ करके उस पर ख्याल करना चाहिए आज बाबा ने क्या क्या सुनाया सवेरे उठकर गौर करना चाहिए तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए बाबा का फरमान है अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ ऐसे नहीं दूसरों को जाके समझाते रहो और अपने बीवी बाल बच्चे दुखी ही बने रहे अशांति ही बने रहे है? है? रचना रचते हैं अपने सुख के लिए कि बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूं क्या
स्वर्ग की मेहनत, स्वर्ग की रचना की मेहनत किसके लिए करता हूँ? बच्चों के लिए। सात 33 करोड़ देवताएं कहाँ दिखाए गए? स्वर्ग में। और शंकर जी महाराज कहाँ दिखाए जाते हैं चित्रों में? है? वही कांटों के जंगल में। ये सारी मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए, तो जब धारणा हो तो नशा चढ़े, तब किसको इंजेक्शन लगा सकते हैं? बाबा के मिसल रहम दिल भरना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। क्या जो असुरों की मत में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाना है, हैं? ले अभी कह रहे हैं कि अपने बीवी बाल बच्चों की, अपने घर वालों की सर्विस करना है, आप ही कहते हैं आसुरी मत में जो फंसे हुए हैं उनको छुड़ाना, ये क्या बात हो गई है? कौन? हाँ, आसुरी मत में कौन फंसे हुए हैं? अपने ब्राह्मण परिवार के, अपने घर के भांति जो है, जो बाबा के बच्चे बने, वो कहाँ फंस गए? आसुरी मत में फंसे हुए, तो उनको उनसे छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की, छोटी मोटी दुश्मनी नहीं है, भारी दुश्मनी है। यह है रावण राज्य और वो होगा राम राज्य। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पतित तो कौन बनाते हैं और पावन कौन बनाते हैं। क्या मनुष्य नहीं जानते हैं कि व्यभिचारी कौन बनाता है और अव्यभिचारी कौन बनाता है? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी बाप ही समझाते हैं। हिस्टोरियन जिनको इनाम मिलता है, इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉडफादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी बैठ तो नाते हैं, सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। क्या सारी दुनिया की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी बैठ सुनाते तो हैं और सुनने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन समझते कुछ भी। वास्तव में ये चित्र अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा वो तो बहुत क्लियर है, ये बाप ने समझा कर बनवाए। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए, तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो, रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े, बुद्धि सब फिर चाहिए। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम स्वच्छ बुद्धि किसे कहेंगे? इस पुरानी दुनिया से जिस जो बुद्धि उपराम हो वो हुई स्वच्छ, और इसी दुनिया में लगी पड़ी रहे तो हो गई अस्वच्छ। जब इस दुनिया में नहीं लगेगी रहते तो इस दुनिया में, और बुद्धि इस दुनिया में लगेगी नहीं तो कहाँ लगेगी? नई दुनिया की याद में लगे, नई दुनिया कैसे आएगी उसके मनन चिंतन मंथन में लगे, सुबह से लेकर के शाम तक बुद्धि में यही मनन चिंतन मंथन चलता रहे तो समझ लो बुद्धि स्वच्छ, यह स्वच्छ होने के रास्ते पर है। गति हो रही है,
बुद्धि की, क्योंकि पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की गति, फिर शरीर की गति सदृति। तो ये भी बंदर है, जहां अपना जड़ यादगार है वहां ही बाप आकर के बैठे। क्या बंदर है, जड़ यादगार कहां है? पातिराम यही कहां, जड़ यादगार कहां है? संगम, संगम संगम का तो समय है, हम स्थान पूछ रहे हैं कि जड़ यादगार कहां है तपस्या का। अरे हम स्थान पूछ रहे हैं तो तुम, हाँ ये भी बंदर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहां ही आकर के बैठे हैं, दूसरी जगह आकर के नहीं बैठे हैं। तो कहाँ यादगार है जड़? जड़ यादगार मंदिर को कहा जाता है, तो कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर, तो वहां आकर के बैठे हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, तो माउंट आबू में आकर बैठे हैं। क्या जल्दी जल्दी बताओ पातिराम, फिर आगे बढ़े। ये भी बंदर है, जहां अपना जड़ यादगार है वहां ही आकर के बैठे। वो जड़ यादगार है और ये चैतन्य में बैठे। क्या कहा, बैठे हैं चैतन्य में, उसमें जड़ यादगार कहां है? है जड़ यादगार कहां है? तपस्या का। जल्दी जल्दी बताओ, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू बैठे कहाँ है? रुक जाओ, कहाँ बैठे? अरे क्या बात हुई, ये पातिराम झूठ मत बोलना, तुम सच्चा बोलना, ये सबको झूठ बोलने दो। हाँ तो अपने दिल की बात बोलो, सच्चे दिल पर था आप राजी। हाँ बोलो, बताओ। बाबा ने बोला जहां अपना जड़ यादगार है वहां ही याद करके बैठे, वो जड़ यादगार है और ये चैतन्य में बैठे, तो कहां यादगार है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, तो कहां आकर बैठे? ये कोई बात हुई, यहां तो ये कहा कि जहां जड़ यादगार है वहां आकर के बैठे। हैं? जब माउंट आबू में जड़ यादगार है तो माउंट आबू में आकर के बैठना चाहिए, जहां अपना जड़ यादगार है वहां ही आकर के बैठे, दूसरी जगह नहीं। मुरली में क्या बोला, मत बोलो तुम, उल्टा सुल्टा बोलते हो फिर। हाँ बोलो, हाँ वहां आकर के बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं आकर के बैठते हैं। कहाँ बैठे हैं? जड़ यादगार कहाँ है? हैं? क्या बुझ गए क्या? हाँ तो बताओ, फटाफट बताओ, कहाँ जड़ यादगार है? अरे जड़ यादगार माउंट आबू में है ना, तपस्या में मूर्तियां बैठी हुई है, याद में बैठी हुई है, तो वहां जड़ यादगार है ना, अब तो वहीं आकर के बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अरे तो कहाँ बैठे हैं बाप आकर के? है? तो माउंट आबू गए कि नहीं गए? तो कहां जाकर के बैठे? है? है? हाँ सुख शांति भवन में बैठे ना। अच्छा तो वहां बाप, बाप का ही यादगार है ना,
जहाँ अपना जड़ यादगार वहाँ जाकर के बैठे, वो जड़ है, ये चैतन्य है। तो वहाँ चैतन्य में बाप हुआ ना, है? अरे हाँ, कहाँ? माउंट आबू में। वहाँ चैतन्य में बाप को देखा? अरे तुम बोलो ही नहीं। चैतन्य में वहाँ बाप को देखा या नहीं देखा? जोर से बोलो तो टैप में भर जाए। हैं? बाप चैतन्य में नहीं देखा? अरे तुम्हें चैतन्य में बाप नहीं मिला? हैं? बिना बाप के ब्रह्मा कुमार बन गए? अरे तुम तो बहुत मुझे क्या बात हो गई? हैं? कहाँ है फिर चैतन्य में बाप? कहाँ है? हैं? कहाँ मिला? सामने। तो सामने वो स्थान कौन सा है? उस स्थान का नाम क्या कहा जाता है? कंपिल। और जड़ यादगार कहाँ है? बाबा ने, तुम उल्टी बात बोलते हो, ये तो झूठी बात हो गई। बाबा ने बोला जहाँ अपना जड़ यादगार है वहीं आकर के बैठे हैं। हाँ, अब नहीं बता पा रहे। अच्छा बड़ रुको, किसी माता से पूछते हैं। हाँ सोमा माता बताओ, यहाँ पर है जड़ यादगार? कहाँ? कंपिल में। कंपिल में कहाँ जड़ यादगार है? बताती क्यों तू? हाँ कहाँ जड़ यादगार? कहाँ है जड़ यादगार? हमें दिखाओ। तुमने कभी देखा? जब देखा नहीं तो क्यों कहते? किसी ने झूठ बता दिया होगा। कहाँ है यह जड़ यादगार? हैं? अच्छा त्रिपुर सुंदरी माता बताएंगे, अपना शरीर जड़ है वो यादगार। अरे ये तो भाई बात नहीं बन रही है। अच्छा और वो सुभद्रा माता बताओ। सुभद्रा माता, पातिराम भाई तुम बुझ गए, कहते हैं जड़ यादगार माउंट आबू में, हम बाप के सन्मुख यहाँ कंपिलम में बैठे, उल्टी उल्टी बात हो गई। हल करो, कहाँ है जड़ यादगार और कहाँ बैठे हैं? सुभद्रा माता जल्दी बताओ। हैं? कुछ नहीं है? हैं? कंपनी में बैठे? तो कंपनी में जरा यादगार कहाँ है? तुमसे कौन पूछ रहा है? तुम बोलती क्यों? जैसे कलयुग के टीचर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को खूब एग्जामिनेशन बताते रहते हैं। हाँ, नहीं अच्छा, वो सबसे नया स्टूडेंट गीता बहन। हाँ बताओ, कहाँ बैठे और कहाँ जड़ यादगार? चैतन्य में बैठे हैं सन्मुख। अच्छा चैतन्य में सन्मुख बैठे हो, हैं? अच्छा तो जड़ यादगार कहाँ है? वाह ये क्या बात, बाबा तो कहते हैं जहाँ तुम्हारा जड़ यादगार है वहां तुम बैठे हो। अच्छा पार्वती माता बताएंगी, हाँ ठीक है। हाँ है? मन मंदिर आत्मा ही है जड़ मंदिर। तो मन 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 जड़ होता है कि चैतन्य होता है? तो वो तो मन चैतन्य होता है या जड़ होता है? तो मन ही मंदिर होता है, तो मन जड़ है या चैतन्य है? मन चैतन्य है, यहाँ तो जड़ मंदिर की यादगार की बात है।
जहाँ तुम बैठे हो वो जर यादगार है वहाँ, और वहीं तुम बैठे हो। हाँ बाप के जन्म, हाँ तो कहाँ जड़ यादगार है? यहाँ तो जड़ यादगार नहीं है। कौन पूछ रहा है तुम? मालूम है, है जब बड़ा मंदिर बना ही नहीं, यादगार में क्या होता है? जोर जोर से बोलो, है क्या? माउंट आबू की यादगार है, तो माउंट आबू हद का और बेहद का क्या होता है? है माउंट आबू एक तो हद का होता है, एक बेहद का। बेहद का माउंट आबू, माउंट माने पहाड़, और आबू माने जहां दुनिया की सारी बदबू पतित आत्माएं आकर के इकट्ठी, पहाड़ बन के इकट्ठी हो जाए, वो हो गया काय का पहाड़। सारी बदबू जैसी भरी हुई आत्माओं का पहाड़ इकट्ठा हो गया। क्यों? भगवान जहां आते हैं वहां बदबू का पहाड़, पतित आत्माओं का पहाड़ क्यों इकट्ठा करते हैं? है? पावन बनाने के लिए है। तो वो हुआ माउंट आबू। क्या बिल्कुल सदगति वहां पर? पहले मन बुद्धि की सदगति होगी कि पहले शरीर की सदगति होगी? पहले मन बुद्धि की सदगति होगी। क्या इसलिए बोला तुम्हारे ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, पहले तुम्हारे गांव को आकर के क्या बनाता हूं? स्वर्ग बनाता हूं। फिर दुनिया को बनाता हूं। तो है तो जहां जड़ यादगार मंदिर वहां जड़ यादगार मंदिर जरूर होना चाहिए तपस्या का। तो दो तरह की मूर्तियों का मंदिर है, एक सफेद मूर्तियों का जो तपस्या में बैठी है, और दूसरी काली मूर्तियों का। काली मूर्तियां ज्ञान में तो चलती हैं लेकिन काले कर्म करती हैं। काला मुंह जरूर जरूर करेंगे। तो वो काली मूर्तियों का मंदिर, वो ऊंची स्टेज में दिखाया गया है, वो मंदिर ऊंचा है। वो बड़े दिलवाड़ा मंदिर में भी, तो यहाँ छोटा दिलवाड़ा मंदिर है यादगार में, यहाँ भी दिखाया गया है।